हेलो दोस्तों, तो आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज की हम लोग किस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के पूरे के पूरे हेड टू हेड के बारे में, और सिर्फ हेड टू हेड के बारे में ही। जैसे गोनी टिकॉक की वीडियो देखी होगी वो तो पता ही चल गया होगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, और जो उन्होंने नहीं देखी उनको मैं बता दूँ कि मेरे व्यूज़ नहीं आए थे बिल्कुल भी अच्छे। जब मैं पूरी बनाता है 12 पिच बड़ो प्लेइंग 11 की, तो मैंने इस पर इसको अलग अलग करके बनाने की सोची, और अब से मैं ऐसे बनाऊँगा और प्लेयर्स की तो मैं बना ही रहा हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखी तो उसको भी आप देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये मैच तो नहीं टीमवर्क के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स जीत जाती है तो मैं आपको बता दूं कि वो क्वालिफाई हो जाएगी आईपीएल के प्लेऑफ के लिए। वही बात कीजिए राजस्थान रॉयल्स की, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान रॉयल्स अगर इस मैच को जीत लेती है तो वो प्लेऑफ पे तो आ सकती है और वो तीसरे नंबर पर आ जाएगी अगर आरसीबी आज मैच जीतती तो। आप समझ रहे हो कि ये मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो आपको बस करना इतना है कि इस छोटे से वीडियो को तक देखते रहना है, और मैं आपको बता दूं कि यह अबू धाबी के स्टेडियम में खेला जाने वाला है। तो मुझे लगता है जो मुझे इंपॉर्टेंट बताना था वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स, इन दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ 23 आईपीएल मैचेस खेले जा चुके हैं। जो कि दिल्ली है उन्होंने कुल 11 मैच जीते हैं राजस्थान के खिलाफ, और जो राजस्थान है उन्होंने कुल 12 मैच जीते हैं वो भी दिल्ली के खिलाफ। अगर इसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दोनों की तुलना हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखने से दोनों ही खतरनाक लग रहे हैं। वही बात की जाए दिल्ली की तो वो सिर्फ एक ही मैच कम जीती है राजस्थान से, और वही राजस्थान एक ही मैच ज़्यादा जीती है दिल्ली से, इस कारण हमें दोनों की तुलना करनी ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जैसे कि आप सबको बताया होगा कि मुझे एक टॉपिक के बारे में बताना था, और वही दूसरे टॉपिक के बारे में आप थोड़े से इंतजार कीजिए। वही आपको खाली हेड टू हेड ही जाना था तो वो तो आप जान ही चुके हो। तो अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट अगली वीडियो में, जिसके लिए आप सभी को थोड़ा सही से लेकिन इंतजार करना पड़ेगा।